Hello guys, welcome in my channel, Crack Neat and Easy Way with Pak Pak Girl. So guys, thank you so much for your love for this channel, and thank you for supporting me, and thank you मुझे समझने के लिए. काफ़ी टाइम से मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ टेंशन थी मेरी पर्सनल लाइफ में. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मैंने सॉरी बोला था सारे सब्सक्राइबर्स को कि मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. तो बहुत सारे जी मेल्स आए थे मेरे पास कि मैम क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या, या मैं कर सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव. सीरियसली ऐसा लगता है कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरी एक फैमिली है, जहाँ पर मैं अपने मन की बातें ईजिली शेयर कर सकती हूँ. एंड सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल. एंड नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए. एम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग की? आई होप सबकी बड़ी अच्छी से चल रही होगी. ठीक है, हाँ, तो एम्स, नीट, जिप्मा, BHU एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं. ठीक है, पर सबका सिर्फ क्या एक ही मोटिव होता है कि एक ही एम है हमारा कि हम कैसे MBBS डॉक्टर बन जाएं. ठीक है, कैसे हम एक डॉक्टर बन जाएं. देखो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबकी स्ट्रैटेजी सेम होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है. मुझसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे जीमेल आते हैं कि मैम मुझे कुछ स्ट्रैटेजी दीजिए फॉर जिम, फॉर एम्स. क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी देके कुछ अलग हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि किसी में इंग्लिश आ रही है आपकी, किसी में असेसमेंट रीजन्स आ रहे हैं. ठीक है, तो उन सब के लिए आप लोग का मेन है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए. ठीक है, असेसन रीज़न के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आप लोग को जो बताऊंगी कि आप लोग का अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप असेसन रीज़न कर सकते हैं. ठीक है, और पर अभी जो है कम टाइम बचा है. ठीक है, और आप लोगों ने नीट के हिसाब से आप लोग की तैयारी करी हुई थी, MCQs करे हुए थे बहुत ज़्यादा. ठीक है, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, तो MCQ पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमें तो स्कोर करने मार्क्स, हमें ये वहाँ चेक नहीं होगा कि आपने असेसन रीजन कितने किए थे इसमें या फिर आपने MCQs कितने किए थे. ठीक है, और अपनी GK पर अच्छे से ध्यान दो. मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि GK के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ, जितना भी अपलोड करूँ, वो आप लोग को याद हो जाए ईजिली. इसीलिए मैं काफ़ी फ़नी ट्रिक्स बनाकर अपलोड करती हूँ वीडियोज़. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, तो रीनीट का बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रेज़ है कि मैम रीनीट तो नहीं हो रहा है, जो भी कुछ है. देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी कुछ हुआ कि अगर लीक हुआ पेपर, जो भी प्रॉब्लम हुई, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती ना, मैं ज़्यादा इसकी ऑफिशियल साइट्स देख रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है, इसलिए बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है. ठीक है, बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी जो घर पे बैठे हैं. ठीक है, अब आप लोग या तो जाकर वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए, वहाँ पर कुछ करिए जिससे कि रीनीट हो जाए, या फिर आप लोग बैठकर अपने फ़ोन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए ये सर्च करते हुए. और स्पेशली उन लोगों का जिनका एम्स का एग्ज़ाम है, वो लोग ये सर्च मत करो कि रीनीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि गलत हुआ है ये. काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह. मैं इन सब चीज़ों के लिए बात नहीं करना चाहती आप लोगों से. ठीक है, तो अपना अभी 28 तारीख को आप लोग का पेपर है, उस पर ध्यान दो. ठीक है, बिकॉज उस पर ध्यान नहीं दिया तो एक चांस और निकल जाएगा और आप लोगों का एक थप्पा और लग जाएगा, दैट यू आर अ फेलियर. ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख के अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो कि रीनीट के पीछे इतना पागल मत हो. अगर बाई चांस मान लो नहीं हुआ रीनीट, तो CBSE वालों ने नहीं करवाया फिर से कंडक्ट, फिर क्या करोगे आप लोग? फिर तो एम्स वाला भी गया ना, एम्स में तो अभी आप लोग को पता है कि हाँ ठीक है, मेरे अगर 450 to 500 मार्क्स नीट में आ रहे थे तो यू कैन वेरी गुड स्कोर इन एम्स ऑल्सो. ठीक है, अगर एम्स में नहीं हुआ तब फिर क्या अगले साल का इंतज़ार करोगे? हाँ, सो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करो. ठीक है, इतना रीनीट रीनीट मत करते फिरो, वरना बाद में पछतावा होगा कि मैंने क्यों नीट के पीछे इतना पड़ा, जो कि होना भी नहीं था. ठीक है, अगर हो तो अच्छी बात है, फिर से तैयारी करेंगे हम लोग. ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि खुद को मोटिवेट रखिए, परेशान मत होइए. ठीक है, अपना खाना पीना सब अच्छे से रखिएगा. ओके, एंड जैसे कि हर एग्ज़ाम से पहले जैसे नीट हुआ था और मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया था, वैसे तो मैं कोई खास मोटिवेट नहीं कर देती आप लोगों को. ठीक है, बट वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को खुद से मोटिवेट होना है, खुद से डॉक्टर बनना है. बट आप लोग एक बात जानते हो, मेरा ड्रीम है, जैसे कि आप लोग का ड्रीम है ना डॉक्टर बनना, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनाना. ठीक है, दैट्स माई ड्रीम. और डॉक्टर बनाने के साथ साथ
स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाना कि लाइफ में क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फालतू की चीज़ों में सुसाइड कर लेते हैं, वो सब बहुत गलत होता है, ठीक है। सो सबसे पहले कि मैं आप लोगों को हर वीडियो के साथ चाहती हूँ कि जब ये वीडियो का एंड हो तो आप लोग के फेस पर एक स्माइल हो, एक सेटिस्फिकेशन हो कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन, और नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है। क्योंकि लाइफ बहुत बहुत क्रिटिकल होती है, लाइफ को ही खेल लो ना, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सो आई ट्राई टू मेक अ स्माइल ऑन आर फेस, ओके। Guys, thank you so much for subscribe my channel. I love you so much. And अच्छे से prepare करना aims के लिए, ठीक है। और छारे के छारे क्या बनना, डॉक्टर 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 डॉक्टर, ओके। आई होप आप लोगों के फेस पे स्माइल आई हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, जी के, और बस स्माइल करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ, ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाई आशियां, दबे दबे पांव से।